उस इतना बड़ा मिरर लगा है उसमें, वो इतना अच्छा लगता है और पर्सनली आयुष को भी बहुत पसंद है वो। हेलो, माय नेम इज रजनी गुप्ता एंड ही इज़ माय सन आयुष गुप्ता। वी आर 4 मेंबर्स इन आवर फैमिली एंड माय डॉटर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। एंड हमने ये फ्लैट ख़रीदा था तो इसे रेनोवेट कराना था, उसी का प्रोसेस चल रहा था। और इन बिटवीन हम सर्च कर रहे थे कि हम कहाँ से ये करवाएं रेनोवेशन। कोविड चल रहा था उस टाइम में, बहुत मुश्किल था, तो वही सर्चिंग चल रही थी। तो सर्च करने के बाद हमने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी देखे, बहुत लोगों से बात करी, तब भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इन बिटवीन हमने कुछ यूट्यूब पे ही सर्च किया, तो उससे रिगार्डिंग हम सोच रहे थे कि अब किसी जान पहचान वाले से कराएं या किसी यूट्यूबर, क्योंकि यूट्यूबर्स को हम जानते नहीं हैं, बट उनकी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड थी, उन सबको देख के हमें अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि चलो ये ट्राई कर सकते हैं हम, बाकी so आयुष बताएगा। सो व्हेन वी वर सर्चिंग फॉर द इंटीरियर डिजाइनर्स, आई थिंक द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट एंड द अट्रैक्टिव वीडियोस वी गॉट वर ऑफ वुडूफा। सो वुडूफा में वी आई मीन जैसे हम लोग इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, वी सॉ डिफरेंट होम्स एंड द डिजाइनिंग ऑफ कोर्स, मतलब आई मीन इट्स अ वेरी गुड सेइंग कि फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है, आई मीन दैट इज द लास्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड आई थिंक वुडूफा वाज द वन व्हिच वी सॉ। ऑनलाइन मीटिंग करी थी इनके साथ सबसे पहले, क्योंकि कोविड था तो अगस्त में आई थिंक हमने ऑनलाइन मीटिंग करी थी, तो उसमें हमें थोड़ा अच्छा लगा। मतलब काफ़ी अच्छे से शशांक ने बताया, समझाया कि वो लोग कैसे करते हैं, तो हमें वो सब चीज़ अच्छी लगी, तो इसलिए हमने आगे परस्यू किया कि हम वुडूफा के साथ आगे चलें। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस इन डिज़ाइन फेस? Experience is good. All are cooperative and especially designer is good. उसने काफ़ी help करी हमारी, मतलब हमारे साथ बहुत जगह गई, बहुत चीज़ों को choose करने में। कुछ ideas हमारे थे, कुछ उनके थे, हमारा civil work भी बहुत था flat में, तो वो सब भी हमने किया। After all जब बनकर आया तो हमें अच्छा लगा, लोग आते हैं तब भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा design है, बट थोड़ी बहुत परेशानी तो हर प्रोजेक्ट में होती हैं, सो हमारे साथ भी थी, बट लास्ट पे सब ठीक ही रहा, बढ़िया था। सो आई थिंक द एक्सपीरियंस विद वुडूफा वाज अमेजिंग। फर्स्ट एज मॉम सेड कि अगस्त 2020 में आई थिंक वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट मीटिंग एंड इवेंचुअली विद इन 7 to 8 मंथ्स इट वाज कंप्लीटेड। ऑल्सो कोविड के टाइम में बीच में बहुत रिस्ट्रिक्शंस आई, बहुत लॉकडाउन हुआ, बट आई मीन द जर्नी वाज अमेजिंग। ऑल्सो एज मॉम टोल्ड अबाउट द डिजाइनर निधि इज आवर डिजाइनर, सो आई थिंक मैं तो ड्राइवर काम कर रहा था, मम्मी और निधि लोग जाते थे शॉपिंग करने और मैं बस बाहर गाड़ी में बैठता था। सो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। मैं वर्क फ्रॉम होम में मीटिंग दे रहा था गाड़ियों से एंड ये लोग शॉपिंग कर रहे होते थे, बट अल्टीमेटली द शॉपिंग एंड द इंटीरियर वॉज अमेजिंग। आई मीन कांट इमेजिन अ बेटर होम विच हैज बीन मेड विद वुडूफा। सो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस मैम? फेवरेट प्लेस इज ऑब्वियसली किचन, और मेरे घर में जो भी आता है उसको सबसे ज़्यादा मेरी किचन ही पसंद आती है। इतनी बहुत ही बढ़िया किचन बनाई है वुडूफा वालों ने, ये तो मैं भी, मुझे बहुत पसंद आई है पर्सनली। एंड मंदिर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वो भी बहुत अच्छा बना है। मंदिर एंड किचन बोथ आर आई थिंक माई फेवरेट वेज। ऑफ कोर्स माई रूम, पूरा घर वाइट है, मेरा रूम ग्रे है, so I think that was the favorite color and also सबसे बड़ा शीशा मेरे कमरे में। So something unexpected you got which आपने पहले नहीं सोचा था, जो ऐसा आपको थोड़ा सा unexpected feel हो रहा? Unexpected is this partition, I like this partition so much। मतलब मुझे नहीं लगा था बनके इतना अच्छा लगेगा, but बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा partition। और yourself? I think मेरा favorite part was the foyer area। द फॉयर एरिया के अंदर, दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर जो भी एंटर कर रहा है घर के अंदर वो देख रहा है, सो आई थिंक हाईलाइट वॉज द फॉयर एरिया। लाइट भी बहुत अच्छी है उसकी, एंट्रेंस एंट्रेंस लाइट। सो शेयर अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वुडूफा। हाँ जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहले आयुष के रूम में हम सोच नहीं रहे थे हमें वार्डरोब चेंज करानी है,
हम सोच रहे थे जो पुरानी वाली हैं वैसी ही चलेंगी, बट फिर निधि ने बोला आप सारा ही चेंज करा रहे हो तो ये भी चेंज करा लीजिए, तो वो भी चेंज करा ली। बट अब सबसे मॉडर्न वार्डरोब उसी के रूम की हैं, वो इतना बड़ा मिरर लगा है उसमें, वो इतना अच्छा लगता है और पर्सनली आयुष को भी बहुत पसंद है वो अच्छा लगा हमें। फिर हमने थोड़ा उदिता के रूम में भी चेंजेस किए थे, जैसे लैमिनेट के कलर पे थोड़ा डिस्कशन काफ़ी हुआ था कि पहले कुछ और था फिर कुछ और हुआ, फिर निधि ने बोला नहीं यही अच्छा लगेगा, मेरे को लग रहा था जबकि कि नहीं अच्छा लगेगा बट स्टिल एट द एंड वो अच्छा लगा। और मास्टर रूम में भी हमने डबल शेड लिया, तो डबल शेड में भी बड़ा हमारा रहा कि हम कौन सा कलर लगाना है, बट एट लास्ट निधि को एक्सपीरियंस है, वो प्रोजेक्ट्स करती है, तो हमने कहा चलो उसके उस पर भी फेथ करना चाहिए। तो एट लास्ट वो ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन ब्राउन का बहुत अच्छा रहा, बाकी ग्रे एंड ब्लैक ही हमारा मेन थीम था पूरे घर का, जो कि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और किचन तो है ही बहुत अच्छी, किचन तो बहुत ही अच्छी रही। आई मीन द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वुडूफा वाज अमेजिंग फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग व्हिच वी हैड इन व्हिच वी डिस्कस्ड सर्टेन थिंग्स एंड एट एवरी पॉइंट वो चीज़ चेंज होती रही। एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू वुडूफा कि वुडूफा ने कभी वो इरिटेशन या फिर वो रेजिस्टेंस शो नहीं करी कि आप बार बार उस मटीरियल को चेंज कर रहे हैं या बार बार उस लैमिनेट को चेंज कर रहे हैं, मटीरियल को चेंज कर रहे हैं। आई मीन फ्रॉम सोफाज टू लैमिनेट्स टू वार्डरोब्स टू बेडरूम्स टू द कलर ऑफ द हाउस, एट एवरी पॉइंट इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। एंड बिकॉज ऑफ कोविड हमें बहुत टाइम मिल गया सोचने के लिए भी, डेकोर हमने पहले नहीं लिया था, तो एट द एंड आफ्टर 5 मंथ्स हमने डेकोर लिया, उसमें भी निधि ने पूरी हेल्प करी हमारी और काफ़ी अच्छा रहा वो भी।